नमस्कार, मैं वास्तुशास्त्री आनंद शर्मा एक बार फिर आपके लिए लेके आया हूँ हमारे चैनल अच्छा घर होम प्लान पे पूरा वास्तु के अनुरूप घर का प्लान। आज का प्लान 30x40 फीट के एरिया में कवर किया गया है। सबसे पहले आपको बता देते हैं, उत्तरमुखी मकान है, नॉर्थ फेसिंग होम प्लान विथ वास्तु। अगर आपको रियल में घर बनाना है तो पूरे प्लान को आप ध्यान से देखिए, तभी आप हर एक चीज वास्तु के अकॉर्डिंग समझ पाएंगे। पूरा मेजरमेंट और दिशाएं आपके सामने लिखी हुई है, कैसे हमने इसको रेडी किया है और वास्तु के अनुरूप कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए, यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। बिना वास्तु के अगर आप घर का निर्माण करते हैं तो उस घर की कलह कभी खत्म नहीं होती है, धन उस घर में कभी भी टिकता नहीं है और भी जीवन में बहुत आर्थिक और शारीरिक परेशानियां देखने को मिलती है। अगर आपके घर का वास्तु सही है तो आपके जीवन में बहुत सी समस्याएं अपने आप सही हो जाती है। आज का प्लाट हमने कवर किया है, आगे से 30 फीट एरिया कवर किया गया है, सेम पीछे से 30 फीट एरिया कवर किया गया है, 40 फीट इस कॉर्नर से यहां तक कवर किया गया है और 40 फीट इस कॉर्नर से यहां तक कवर किया गया है। ठीक है, यानी 1200 स्क्वायर फीट में टोटल आपका घर बनके रेडी हो जाएगा। वास्तु सम्मत होने के कारण हर एक चीज का दरवाजा, खिड़की, रूम, हर चीज का ध्यान रखना होता है कि कौन सी चीज कहां पर होगी। सबसे पहले देखिए, आगे उत्तर दिशा में रोड जा रही है, ग्राउंड फ्लोर का ये प्लान है। मुख्य रोड उत्तर दिशा में, चारों तरफ ओनर की खुद की जमीन है और अब जो एरिया कवर किया गया है वो 30x40 का कवर किया गया है, 1200 स्क्वायर फीट। सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर का ये प्लान रहेगा, नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर पर आपका प्लान बनता है वो ये प्लान है। सड़क से हम घर के अंदर एंटर करते हैं तो मुख्य द्वार हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक मेन डोर दिया है, जो आपका ईशान कॉर्नर में दिया गया है मेन दरवाजा उत्तरमुखी घर का। जैसे आप अंदर प्रवेश करेंगे तो आप देखेंगे कि काफी स्पेस में, यानी कि काफी स्पेसफुली जगह कवर की गई है, 8 फीट 8 इंच लंबाई में कवर की गई है। टोटल जो एरिया है इस दीवार से यहां तक ये 9 फीट 4 इंच का है। ये देखिए, यहां पर हमने मार्क कर रखा है, इस दीवार से यहां तक 9 फीट 4 इंच का है और अंदर का जो एरिया रहेगा वो 8 फीट 8 इंच का रहेगा। ठीक है, इस दीवार से यहां तक 28 फीट 8 इंच कवर किया गया है, जिसके अंदर बाहरी हमने सीढ़ियां दे दी है, पूरी क्लॉकवाइज दी है सीढ़ियां। जो आपके पिलर आ रहे हैं वो आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपके जो येलो कलर के हैं वो पिलर आ रहे हैं जिसके ऊपर घर आपका खड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए, ये पार्किंग एरिया हो गया। पार्किंग के बाद में जो मुख्य दरवाजा घर के अंदर जाने का, वो मुख्य दरवाजा हमने यहाँ पर दिया है। यहाँ पर आप 3 सीढ़ी चढ़कर घर के अंदर प्रवेश करेंगे। जब भी घर का निर्माण करें इन चीजों का ध्यान रखें, घर थोड़ा ऊंचाई में लेके बनाइए ताकि भविष्य में आपको परेशानी ना हो। तो आप जैसे ही अंदर प्रवेश करेंगे, ये आपका हॉल आ गया है। इस दीवार से लेकर यहाँ तक इसकी जो चौड़ाई है वो 16 फीट 4 इंच है और लंबाई है वो इस दीवार से लेकर यहाँ तक 17 फीट 4 इंच है। सोफे वगैरह आपके यहाँ सेट हो जाएंगे, टीवी आपका यहाँ लग जाएगा। पूरा वास्तु सम्मत हॉल रहेगा आपका, काफी बड़ा हॉल रहेगा। कोई भी ओकेजन फंक्शन होता है, हॉल अगर आपका स्पेसफुली रहता है तो वो काफी उपयोगी रहता है। एक खिड़की आपकी इस साइड में हमने ओपन की है। हॉल से आप इधर आएंगे, यहाँ पर हमने पूजा घर दिया है, वास्तु के अनुरूप पूजा घर दिया गया है, क्योंकि ईशान कॉर्नर देवस्थान होता है और ईशान कॉर्नर में वास्तु पुरुष का सर होता है, तो वास्तु के अनुरूप ही पूजा घर दिया गया है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है और पूजा घर का निर्माण हमेशा वास्तु के अनुरूप ही रखना है। अगर आपका पुराना घर भी है तो पूजा घर को कम से कम आप वास्तु के अनुरूप कीजिए, ताकि घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो। उसके बाद में देखिए, आप सीधे सामने एंटर करते हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ से एंटर करते हैं, यहाँ पर आपका किचन प्लस डाइनिंग एरिया दे दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि ये देखिए अग्नि कॉर्नर है, जैसा कि हमने लिखकर बता रखा है। समझने में आपके आसानी रहेगी, पूजा घर इसलिए दिया गया क्योंकि ये ईशान कॉर्नर है, ये पूर्व दिशा है। ठीक है, और ये अग्नि कॉर्नर है, तो अग्नि कॉर्नर में रसोई घर और डाइनिंग एरिया दिया गया है। अंदर प्रवेश करेंगे, डाइनिंग टेबल आपकी यहाँ लग जाएगी, क्योंकि इस दीवार से लेकर यहाँ तक हमने 16 फीट 4 इंच का एरिया कवर किया है, जो काफी बड़ा एरिया होता है। आराम से डाइनिंग टेबल लग जाएगी और लंबाई इसकी 12 फीट है, तो काफी बड़ा आपके किचन प्लस डाइनिंग एरिया है। यहाँ पर आपका रसोई घर पूरा आपका बन जाएगा, गैस चूल्हा वगैरह। एक खिड़की हमने इस साइड में ओपन कर दी है आपके किचन की भी, और एक खिड़की हमने हॉल की भी इस साइड में पूर्व दिशा के ओपन एरिया में ओपन की है। शानदार वेंटिलेशन रहेगा और वास्तु सम्मत होने के कारण घर में सुख सुविधाएं बनी रहेगी। जब भी आप घर का निर्माण करें, अच्छे वास्तुशास्त्री से ही घर के नक्शे का निर्माण कीजिए। अगर आप वास्तु के अनुरूप पूर्ण रूप से अपने घर का निर्माण हमारे द्वारा करवाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, वो पेड सर्विस रहती है। पूरा वास्तु अनुरूप ही नक्शा रेडी किया जाता है हमारे। अब आप इधर प्रवेश करेंगे तो आप देखेंगे कि हॉल से इधर प्रवेश करने पर ये कौन सा कॉर्नर, ये है नर्तज्ञ कॉर्नर। नर्तज्ञ कॉर्नर
का वास्तु के अनुरूप आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर आप इधर प्रवेश करेंगे तो देखिए ये 12 बाई 12 में एक बेडरूम दिया गया है। एक विंडो हमने इस साइड में ओपन कर दी है। इससे आप बाहर आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका कॉमन टॉयलेट बाथरूम है। 5 फीट चौड़ाई, 7 फीट लंबाई, काफी बड़ा लेट बाथ होता है। और एक जो इसका वेंटिलेशन जो विंडो है वो पीछे की तरफ ओपन कर दिया गया है ताकि अच्छा वेंटिलेशन हो। अब इस दरवाजे के ठीक सामने एक दरवाजा और दिया गया है और ये आपका 12 बाई 12 का एक बेडरूम और बनाया गया है। इस बेडरूम की एक खिड़की हमने सीढ़ी के नीचे के स्पेस में दे दिया है। अगर आप चाहें तो एक विंडो इधर भी दे सकते हैं। कोई भी एक विंडो अगर आप रखेंगे तो भी अच्छा वेंटिलेशन होगा क्योंकि फ्रंट का रूम है। ग्राउंड फ्लोर पर आपको हमने दो रूम प्रोवाइड करवाए हैं, किचन प्लस डाइनिंग एरिया, और बड़ा सारा हॉल है, पूजा घर है, और आगे पार्किंग एरिया और स्पेस फुली आपकी सीढ़ियां हैं। घर के आगे भी स्पेस है, यानी घर के आगे भी स्पेस पड़ा है, और दोनों तरफ स्पेस होने के कारण घर काफी खुला और हवादार रहेगा। वास्तु के अनुरूप होने के कारण घर आपका काफी शुभ भी रहेगा। जब आप फर्स्ट फ्लोर आगे हमारा वीडियो देखोगे इसके फर्स्ट फ्लोर का प्लान का, तो उसमें आपको काफी अच्छी बालकनीज वगैरह मिलेगी और घर काफी खुला खुला और ओपन स्पेस में मिलेगा और घर बहुत सुंदर लगेगा बनने के बाद। तो ऐसे ही प्लान देखते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट में अगर आपको कोई चीज समझ में ना आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।